और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा और राजस्थान की राजनीति पर चर्चा की। साथ ही बिश्नोई समाज को केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की मांग उठाई है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके कहा, आज मेरे नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी से लंबी मुलाकात हुई है। बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी अमित भाई में एक अजीब चुंबकीय शक्ति है जो किसी को भी अपना बना लेती है। हमारे बिश्नोई समाज को केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की प्रार्थना की एवं हरियाणा और राजस्थान पर विस्तार से राजनीतिक चर्चा की है। तो ये लेटर भी उन्होंने बकायदा पूरा एक साझा किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मुलाकात की। आप जानते हैं कि बिश्नोई समाज का जब हम जिक्र करते हैं तो वो न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राजस्थान में भी रहता है, प्रभाव है उनका। तो इन दोनों ही विषयों का जिक्र कुलदीप बिश्नोई करते हुए भी नजर आए और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुलाकात में जो बात हुई है वो कुलदीप बिश्नोई बताते हुए नजर आए हैं और जो ट्वीट किया उन्होंने, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बिश्नोई जाति की सर्वोच्च संस्था है जो 22 अप्रैल 1936 से पंजीकृत है। जो लेटर कुलदीप बिश्नोई ने साझा किया है मैं उसको भी आपके सामने पढ़कर रख रही हूं और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। विनोद लांबा हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुलदीप बिश्नोई खुद मौजूद है। विनोद बात कीजिएगा। बिश्नोई साहब आपका स्वागत है नई दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और पहला सवाल ये है कि मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई? बड़ा मुद्दा हम जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज, बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग की है और जो विषय हरियाणा और राजस्थान की राजनीति पर चर्चा हुई है, जितना आप बताना चाहें प्लीज हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए अंदर बात विस्तार है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट और पहला मुद्दा हमारा बिश्नोई समाज पूरे, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे हरियाणा का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश कहीं का भी बिश्नोई है, उनको केंद्र में ओबीसी में शामिल किया जाए। तो इसके लिए पहले मैं माननीय नड्डा साहब से मिला था, उन्होंने भी आश्वासन पूरा दिया। आज हमारे नेता अमित शाह जी से मिला, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया, तो मैं बहुत पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि जल्दी हमें अच्छी खबर मिलनी चाहिए। और इनके अलावा हरियाणा और राजस्थान को लेकर बड़ी विस्तार से राजनीतिक चर्चा हमारी उनसे हुई। राजस्थान में जो चुनाव पहले होने हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में, हमारे समाज वहाँ 37 विधानसभा और 7 पार्लियामेंट को डोमिनेट करता है, तो उसके बारे में उन्होंने खुद ही डिटेल डिस्कशन में रखे किया कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए और हरियाणा में जो समीकरण अभी क्या है और आगे रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा हमारी हुई। पंडित जी एक सवाल है, राजस्थान को लेकर आपने बिल्कुल साफ कहा है और कई बार कहा है कि राजस्थान में आपकी भूमिका नजर आएगी। जब बीजेपी आपने ज्वाइन की थी दिल्ली में, हमने जो पहले सवाल आपसे पूछे थे और आपने बिल्कुल क्लियर और फ्रंट फुट पर आकर कहा था कि बस हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी राजनीति, मैं राजस्थान में भी एक्टिव रोल नजर आऊंगा, तो हम कह सकते हैं इस मुलाकात के बाद, क्योंकि अब बिल्कुल आपने खुद इंडिकेशन दिया कि चुनाव बेहद नजदीक है, कि कुलदीप बिश्नोई साहब नजर आएंगे राजस्थान में एक्टिव रोल में बीजेपी के लिए? पूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी हमेशा बहुत एक्टिव रहे थे राजस्थान में, बड़ा प्यार आशीर्वाद लोगों का पिताजी को मिलता रहा और वही प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है, चाहे हम कांग्रेस में थे तब भी और आज भाजपा के अंदर भी। हम पूर्ण रूप से बिश्नोई समाज को साथ में जोड़ेंगे बीजेपी के, ताकि एक सही रास्ता मिल सके, समाज आगे बढ़ सके, चाहे वो ओबीसी में शामिल होने की बात है या हमारे और विकास का, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है तो आगे तभी जा सकता है जब हम एक अच्छी पार्टी अच्छे लोगों के साथ रहें, तो आपको बहुत एक्टिव रोल में मैं राजस्थान में दिखूंगा। बस एक आखिरी सवाल कुलदीप जी मेरा ये है कि जिस तरह से बीजेपी की संख्या विधायकों की 41 हो गई, क्योंकि भव्य बिश्नोई जो आपके बेटे हैं वो विधायक बने और एक जो डिपेंडेंसी थी कहीं ना कहीं सरकार की, निर्दलियों की या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की, वो खत्म हुई थी, आपका क्या इस मुद्दे पर गठबंधन के विषय में कोई राय है? क्योंकि ये सीधा सवाल आपसे इसलिए बनता है कि जो संख्या थी 40 की भव्य बिश्नोई के बनने के बाद वो संख्या 41 तक पहुंच चुकी है। देखिए मैं ये सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो कि इसे मुख्यमंत्री जी या धनखड़ साहब या माननीय विप्लव जी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी में आया, मैंने आते ही एक राज्यसभा का सांसद बीजेपी को दिया और एक 2 लगातार चुनाव हारने के बाद एक विधायक बीजेपी को दिया, तो मैंने आते ही अपना साबित किया कि भाई कुलदीप बिश्नोई कितना दमखम रखता है। आदमपुर को लेके कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपकी प्रदेश स्तर की, आदमपुर में बहुत अच्छा विकास, माननीय मुख्यमंत्री का दिल बहुत बड़ा है और जो भी मांग मैं या भव्य रखते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से सुनते भी और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अभी काम भी हमारे बहुत तेजी शुरू हो गए, आने वाले समय में आदमपुर में और भी बहुत से काम देखने को तेजी से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
ठीक है विनोद, ये बातचीत हमने अपने दर्शकों को सुनाई। राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी, बिश्नोई समाज का जिक्र कुलदीप बिश्नोई करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तो पहले भी चर्चा थी जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि कुलदीप बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में भी मिलेगी, और राजस्थान में यकीनन कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, तो उस सूरत में भी बीजेपी हर तरह से, आप ये समझ लीजिए, ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है और है भी, चुनावी मोड में आ चुकी है।